नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल के जैसे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और यह डिस्कस करेंगे कि पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग उन कंडीशंस में किया जाता है जिन कंडीशंस में आपके पेट में एसिड का उत्पादन अधिक होता है। पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल पेट में उत्पन्न होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है। पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, खट्टी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में छाले होने पर पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट को कम करने के लिए भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एस्प्रिन और दर्द में उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक आदि दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अल्सर की समस्या हो सकती है। इसलिए इन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्टर पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को दर्द की दवाओं के साथ भी दे सकता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक के कॉमन साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग व पेट में गैस बन सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए आपका डॉक्टर पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी दे सकता है। पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में किया जाता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में पेट का एसिड ऊपर की तरफ खाने की पाइप इसोफेगस में आने लगता है, जिसकी वजह से सीने में जलन हो सकती है, जो आमतौर पर खाना खाने के बाद होती है और लेटने पर बढ़ जाती है। इसके अलावा पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का उपयोग गैस्ट्रिक और ड्यूओडेनल अल्सर, इरोजिव इसोफेजाइटिस और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। पेंटोसिड एक ब्रांड नेम है। पेंटोसिड डीएसआर कैप्सूल के अंदर साल्ट कंपोजिशन पेंटोप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg होता है। अब हम जानेंगे कि पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को सुबह खाली पेट पानी के साथ लेना रिकमेंडेड होता है। दवा की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग हो सकती है। इसलिए आपको पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन 2% से भी कम व्यक्तियों में पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुंह में सूखापन, हेडेक, शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना व दस्त होने की समस्या हो सकती है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल की वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या भी हो सकती है। पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल की वजह से ये साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल 2% से कम व्यक्तियों में ये साइड इफेक्ट नोटिस किए गए हैं। लंबे समय तक पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन करने से यानी कई महीनों या कई सालों तक पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन करने से शरीर में विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को 2 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक और दिन में कई बार पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती हैं और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन लगातार 1 साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आप लंबे समय से पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को कम किया जा सके। या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन डी के लिए हर रोज 10-15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अगर आपको पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे पेंटोप्राजोल या डोमपेरिडोन आदि से एलर्जी है तो आपको पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन कर सकती हैं नहीं। वैसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए
पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ने पर डॉक्टर पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कर रही महिलाओं को लेने की सलाह दे सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कर रही महिलाओं को पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कर रही महिलाओं को पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका पेंटोसिट डीएसआर कैप्सूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।